अल्फा बीटा और गामा डीके में, अल्फा डीके क्या होता है? देखो जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस पे टूटता है, तो उसमें या तो अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है तो अल्फा डीके हो गया, या बीटा पार्टिकल निकलता है या गामा निकलता है, तो अल्फा बीटा गामा डीके मैथमेटिकली पढ़ेंगे। अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 42। अल्फा पार्टिकल में एक्स न्यूक्लियस है, ए और जेड न्यूक्लाइड है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया हीलियम 42, तो जो ए एटॉमिक मास नंबर है डिक्रीज बाय 4 है और एटॉमिक नंबर जो जेड है डिक्रीज बाय 2 है। तो याद रखना ये, वो पूछेगा, वो नया एलिमेंट देगा, नए एलिमेंट से आपको ए में से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जेड में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे वो कोई भी एक्स एलिमेंट देगा 212 और 83, कहेगा अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकलते हुए बताओ एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर 4 से सब्ट्रैक्ट करना है, एटॉमिक नंबर 4 से 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अल्फा पार्टिकल उन न्यूक्लियस के साथ होता है जिनका एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 210 होता है, मतलब बड़े न्यूक्लियस के साथ होता है, छोटों के साथ नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास एनर्जी और इसके अंदर क्या डिस्कस करना है इसको एक बार देख लेते हैं।